हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तीर्थ। प्रमुख टेक्विजन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम कोई भी सर्कल का एरिया और सर्कमफ्रेंस कैसे फाइंड करें, मींस हाउ टू कैलकुलेट एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ एनी सर्कल। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने बात की थी कि कोई भी दो नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और मॉड्यूलर डिवीजन कैसे फाइंड करें। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कोई भी सर्कल का एरिया और सर्कमफ्रेंस कैसे फाइंड करें। तो पहले तो हम पाई डिफाइन कर देते हैं। तो फिर हम लिखेंगे यहाँ पे पाई इज इक्वल्स टू 3.14। हमने यहाँ पर पाई की वैल्यू डिफाइन कर दी। इसके बाद हम डिफाइन करेंगे इंटीजर आर। आर यहाँ पे हम रेडियस के लिए लेंगे। फिर हम एरिया और सर्कमफ्रेंस के लिए फ्लोट ले लेते हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू पॉइंट में भी आ सकती है, इसलिए हम फ्लोट यहाँ पे ले लेते हैं और एरिया और सर्कमफ्रेंस को हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। उसके बाद प्रिंट एफ, और जो हमें यूज़र की डिस्प्ले पे दिखाना है वो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे, एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस या फिर एंटर रेडियस हमने लिख दिया। उसके बाद हम वैल्यू को स्कैन करेंगे, तो हम उसके लिए स्कैन एफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। उसके अंदर परसेंटेज डी कॉमा एंड आर, क्योंकि हम आर का यहाँ पर लेने वाले हैं इनपुट। अब यहाँ पर परसेंटेज डी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इंटीजर है। अगर यहाँ पर हमने आर को फ्लोट में लिया होता तो फिर यहाँ पर परसेंटेज डी की बदले परसेंटेज एफ आ जाता, और ये एन परसेंट आर मतलब हम जो भी वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर परसेंटेज डी के अंदर वो इंटीजर के फॉर्म में स्टोर होगी आर के अंदर। मतलब अगर हम 5 लिखेंगे तो r इज इक्वल्स टू 5, 10 लिखेंगे तो r इज इक्वल्स टू 10। उसके बाद हम एरिया का फॉर्मूला लिख देते हैं कि एरिया इज इक्वल्स टू, अब सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है मैथ्स में पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने पाई डिफाइन किया है, तो पाई इंटू आर स्क्वायर, पर हमें यहाँ पर r दो बार लिखना है क्योंकि कंप्यूटर आर स्क्वायर सपोर्ट नहीं करता सी लैंग्वेज, तो पाई इंटू आर इंटू आर। तो ये एरिया के लिए हो गया पाई आर स्क्वायर। उसके बाद है प्रिंट एफ, उसमें हम लिख देंगे डायरेक्ट कि एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू परसेंटेज एफ, क्योंकि हमने उसे फ्लोटिंग वैल्यूज में लिया है तो परसेंटेज एफ, और यहाँ पर हम लिख देंगे एरिया, क्योंकि परसेंटेज एफ के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी इसका आंसर एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। मतलब आर को अगर हम 5 लिखेंगे तो पाई 3.14 की वैल्यू के साथ 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई होगा, वो वैल्यू स्टोर होगी परसेंटेज एफ के अंदर, और वो वैल्यू डिस्प्ले क्या करनी है तो कॉमा करने के बाद हम यहाँ पर एरिया लिख देंगे, इसलिए वहाँ पर वो डिस्प्ले हो जाएगा एरिया। आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं हम सर्कमफ्रेंस के लिए। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला भी मैथ्स में है 2πr। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 × π × r, 2πr लिख दिया हमने। अब यहाँ पर भी सेम जैसा कि हमने एरिया के लिए किया था वैसे ही प्रिंट सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू परसेंटेज एफ, क्योंकि हमने सर्कमफ्रेंस को भी फ्लोटिंग नंबर्स में लिया है, और यहाँ पर हम लिखेंगे सी आई। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होगी, 2 × 3.14 × r की जो भी वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई होगा और फिर परसेंटेज एफ के अंदर स्टोर होगा, तो सी आई होगा इज सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू जो भी सी आई का आंसर होगा वो परसेंटेज एफ में शो होगा। और उसके बाद तो रिटर्न जीरो। और एक चीज़ हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, इंक्लूड कोनियो डॉट एच। तो हमने इंक्लूड कोनियो डॉट एच कर दिया है। और एक बात कि पाई हम यहाँ पर डिफाइन नहीं करते, पाई को भी हम यहाँ पर ही ले लेते हैं, डिफाइन पी आई पाई। मैंने पहले कहा था इज इक्वल्स टू, यहाँ पर नहीं लिखना होगा हमें 3.14, पाई डिफाइन कर दिया 3.14, और यहाँ पर हम स्लैश एन लगा देते हैं हर एक जगह पे जिससे हमारी लाइंस ओवरलैप ना हो। तो अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं और एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस। तो रेडियस को हम ले लेते हैं 10। अब एरिया ऑफ सर्कल 314 और सर्कमफ्रेंस 62.79। बस इतना ही सिंपल है सर्कल का एरिया और सर्कमफ्रेंस फाइंड करना।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।